सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर UI कलर सेटिंग का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, एक ऐसी सेटिंग्स है जिसको आप एक्टिवेट करते हैं फोन के अंदर तो आपके जो सेटिंग्स के आइकन्स वगैरह होते हैं, इवन कंट्रोल सेंटर के जो शॉर्टकट्स होते हैं, उसके कलर जो है चेंज हो जाते हैं। एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं UI कलर सेटिंग को एक्सेस कैसे करते हैं। वेल गाइस, फोन के अंदर UI कलर को एक्सेस करने के लिए सेटिंग को ओपन करना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का एक सेटिंग्स होगा, उसको प्रेस करेंगे इस टाइप से। देन देखेंगे राइट साइड में थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा UI कलर, जो कलर एंड स्टाइल, इसको प्रेस करेंगे। एंड अभी हमारे टोटल जो कलर्स आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट कलर है। और एक बार हम यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे, अभी रिसेंट इंस्टेंट ही ये चेंज हो जाएगा। अभी देख सकते हो कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। एंड गाइज, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर बहुत सारे एज बाय डिफॉल्ट प्रीसेट मिलते हैं, जिनको आप जस्ट अ सेकेंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये प्रीसेट कुछ है, जो भी आप प्रीसेट चूज करोगे उसी कलर्स का ये आपका कंट्रोल सेंटर आइकन वगैरह जो है इसका कलर हो जाएगा। एंड गाइस, इंटरेस्टिंग चीज और भी इसके अंदर एक है कि अगर आप यहाँ पर अपना जो भी वॉलपेपर आपने सेट करा है, काफी कलरफुल वॉलपेपर है, तो वहां से पिक करता है कुछ कलर्स को और यहाँ पर लाके पिक कर देता है, और यहाँ से भी आप प्रीसेट जनरेट होता है। इसको भी आप अपने फोन के अंदर इजिली सेट आउट कर सकते हो। देख सकते हो ये कुछ वॉलपेपर के कॉम्बिनेशन जो है उनसे ये कलर को पिक करके यहाँ पर प्रीसेट जनरेट किया। अगर वापस आपको बंद कर रहा है तो बहुत ही इजी है, जस्ट यहाँ से डिसेबल बटन है, डिसेबल करेंगे तो ये UI कलर का जो आपको सेटिंग्स था ये डिसेबल हो जाएगा आपके फोन के अंदर, फिर से एज अ बाय डिफॉल्ट ही कलर हो जाएगा।